हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच प्रोफेसर टीसी और इस वीडियो में हम समझेंगे एक दिलचस्प कहानी जिसे लिखी है आर के नारायण ने। इसका नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स, एक घोड़ा और दो बकरियां। जितना सिंपल ये टाइटल है उतनी ही दिलचस्प और हंसा देने वाली ये कहानी है। तो आइए समझते हैं ये कहानी। हमें पता है कि इंडिया में कितने सारे विलेजेस हैं और उन ढेर सारे विलेजेस में से एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है क्रीतम। और अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप या कोई भी इंडियन मैप निकाला और क्रीतम ढूंढने की कोशिश की तो आपको एक छोटा सा डॉट दिखेगा। राइटर का कहना यह है कि ये मैप में होना ही नहीं चाहिए था, इतना छोटा सा है ये। लेकिन फिर उसको इस मैप में क्यों दिखाया है? दो वजह है उसकी। एक वजह यह है कि जब टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स लोगों को ढूंढ रहे हो तो उनको शायद क्रीतम से कुछ लोग मिल जाए। और दूसरी वजह यह है कि एक मोटरिस्ट या कोई भी ट्रैवलर जो क्रीतम की खोज में निकला है उसे क्रीतम मिल जाए। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि हाईवे से कहीं दूर एक रफ ट्रैक के बाद, एक ऐसे ट्रैक के बाद जिसके ऊपर बैलगाड़ी चलती है, एक ऐसे रफ ट्रैक के बाद ये गांव एग्जिस्ट करता है। तो ऑथर का कहना ये है कि देयर इज अ विलेज कॉल्ड क्रीतम व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल। आगे बढ़ते हैं। क्रीतम का असली मीनिंग तमिल लैंग्वेज में होता है ताज, सर का ताज। अगर पहली बार कोई इंसान अगर इस नाम को सुनता है तो उसको लगेगा कि ये एक बहुत ही पॉश और बहुत ही नीट एंड क्लीन गांव होगा, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन द आयरनी इज, नाम क्रीतम है लेकिन बहुत ही कम लोग रहते हैं और वो भी बेहद गरीब। अब इस गांव में गरीबी इतनी है कि उसमें सिर्फ एक ही घर है जो कि ईंट और सीमेंट से बना है। वो ऐसे बना है जैसे एक घर बनना चाहिए, बाकी जितने भी घर है वो किसी न किसी चीजों का जुगाड़ करके एक साथ उनको जोड़ के बनाए गए हैं, जैसे लकड़ियां, घास, प्लास्टिक वगैरह वगैरह को जोड़ के इन गरीब लोगों ने उनके घरों को बनाया हुआ है। अब जो एक घर है जो कि ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ है उसका कलर है ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू, और उनकी दीवारों पर भगवान के बढ़िया से बढ़िया ड्राइंग्स हैं और कुछ बेहद अद्भुत मूर्तियां भी हैं। और इस घर को गांव के लोग कहते हैं बड़ा घर, बिग हाउस। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब यह है कि क्रीतम में 30 से भी कम घर है, लोग गरीब हैं और सिर्फ एक ही घर है जिसमें अमीर लोग रहते हैं और उसको बिग हाउस कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, उस बिग हाउस बड़े घर को छोड़कर बाकी जितने भी घर थे वो चार गलियों में बटे हुए थे। क्रीतम में सिर्फ चार ही गलियां थी और बाकी घर उनमें बटे हुए थे। और वो किससे बने थे? जैसे मैंने बताया, बैम्बू की लकड़ियों से, घास फूस और काफी रैंडम चीजों से बने हुए थे। और फिर वी आर इंट्रोड्यूस टू द लीडिंग कैरेक्टर जिसका नाम है मुनि। मुनि का घर था 4th स्ट्रीट के बिल्कुल एंड में, और उसके घर के बाद खुला मैदान था, उसके घर के बाद कुछ भी नहीं था। फिर आर के नारायण लिखते हैं कि जब मुनि का समय अच्छा चल रहा था, व्हेन मुनि वाज अ लकी गाय, उसके पास 40 भेड़ बकरियां हुआ करती थी, और इस फ्लॉक को ले करके वो हर सुबह अपने घर से मीलों दूर उनकी चराई के लिए निकल पड़ता था। अपनी भेड़ बकरियों को मीलों दूर ले जा करके वो क्या करता था? वो जहां पे उनको लेके जाता था वहां पे एक मिट्टी का बना हुआ घोड़े का स्टैच्यू था,
और जो स्टैचू था उसके बेस पे वो बैठ के अपनी भेड़ बकरियों को देखता था और उन पे निगरानी रखता था। और उसके पास एक लकड़ी हुआ करती थी जिसके एंड में एक कर्व्ड हुक जैसा होता था, जिसकी मदद से वो उन भेड़ बकरियों के लिए पेड़ पौधे तोड़ सके। हाइटेड जो ट्रीज होते हैं उनकी टहनियों से कुछ पत्ते वगैरह तोड़ के उनको खिला सके। वो कुछ सूखी लकड़ियों को भी इकट्ठा करके अपने घर लेके जाता था ताकि उनको जलाकर उसके ऊपर खाना बनाया जा सके। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मुनि बहुत ही गरीब इंसान है। हर सुबह क्या होता था, उसकी बीवी उन लकड़ियों को जलाकर उसके ऊपर एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, पानी को उबालकर उसके अंदर नमक और बाजरे का आटा डालती थी और मुनि को खिलाती थी। यही उसका ब्रेकफास्ट हुआ करता था। उसके बाद मुनि को तो अपनी भेड़ बकरियों को चराई के लिए लेके जाना है, तो फिर दोपहर के खाने का क्या? दोपहर के खाने के लिए उसकी बीवी उसी बाजरे के आटे के लड्डू या आप कह सकते हो गोले बनाकर उसको देती थी और वो दोपहर में यानी कि लंच टाइम पे ऑनियंस के साथ, प्याज के साथ खा लेता था। अब मुनि और उसकी बीवी दोनों बूढ़े हो रहे थे, लेकिन मुनि को उसकी बीवी की जरूरत थी ताकि वो उसको ध्यान दे सके और जितना अटेंशन मिलता है उससे, उसकी मदद से मुनि जिंदा रह सके। अब जैसे मैंने बताया, मुनि का जब समय अच्छा चल रहा था तब उसके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां थी, लेकिन कैसे बकरियों की तादाद, उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होता गया, कैसे वो धीरे धीरे गरीब होता गया ये उसको पता ही नहीं चला। 40 भेड़ बकरियों से अब उसके पास सिर्फ 2 बकरियां बची थी। उन 40 भेड़ बकरियों को वो लेके जाता था बिग हाउस के बैकयार्ड के गार्डन में जहां पे वो घास चरते थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 बकरियां थी और वो लॉस में था और बिग हाउस वाले लोग उससे 1 महीने का आधा रुपया लेते थे। हाफ रुपी इन दोस टाइम्स बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। आधा रुपया लेते थे 40 भेड़ बकरियों की चराई करवाने के लिए, लेकिन अभी मुनि लॉस में था, 2 ही बकरियां बची थी, पैसा आ नहीं रहा था, पैसा जा रहा था, तो 2 बकरियों को बैकयार्ड में लेके जाना उसके लिए महंगा पड़ रहा था। तो मुनि ने क्या किया, मुनि की जो झोपड़ी थी उसके सामने एक ड्रम स्टिक ट्री था, सहजन का पेड़, और उसी पेड़ों के साथ इन बकरियों को वो बांध देता था और फिर पेड़ को हिला करके वो ड्रम स्टिक्स तोड़ता था। और इस बार भी, इस सुबह भी उसने वही किया, पेड़ को हिलाया और 6 ड्रम स्टिक्स उसके हाथ लगी। और क्योंकि पहले से उसको ज्यादा ड्रम स्टिक्स मिली थी, वो एकदम खुश हो गया और उसको लगा कि वो जीत गया है। अब मुनि इस पेड़ की छाया में रहता था, इसीलिए उस पेड़ को मुनि ने अपना मान लिया था, किसी और ने उस पेड़ को क्लेम नहीं किया था, कोई और उस पेड़ को ओन नहीं करता था। उसके बाद मुनि की बीवी कहती है कि अगर तुम्हें सिर्फ ड्रम स्टिक से संतुष्टि मिलती है तो मैं उनको बॉइल करके उसके ऊपर नमक डाल के दे देती हूं। मुनि जवाब देता है और कहता है कि मैं ड्रम स्टिक्स खा के पक चुका हूं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मुझे ड्रम स्टिक्स के साथ सॉस दोगी, कुछ ऐसा टेस्टी आइटम दोगी। उसकी बीवी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह में सिर्फ 4 दांत बचे हैं और बड़ी बड़ी चीजें खाने की तमन्ना हो रही है। वो कहती है कि ठीक है, तुम सारी चीजें लेके आओ तो मैं तुम्हें बना के दूंगी। फिर वो सरकास्टिकली कहती है कि अगले साल हो सकता है कि तुम जिंदा ना भी रहो। फिर वो कहती है कि सबसे पहले मेरे लिए सामग्री लेके आओ, चावल या बाजरा, और मैं तुम्हारी जो क्रेविंग्स है, फूड क्रेविंग्स, उसको सेटिस्फाई करूंगी। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है, दाल, मिर्च, करी लीव्स, कड़ी पत्ते,
राई, हींग, धनिया और एक बड़ा सा पोटैटो। मुनि की बीवी कहती है कि पहले ये सब लेके आओ, उसके बाद तुम्हारी जो अनहोली क्रेविंग है, तुम्हारी जो क्रेजी फैंटेसीज है अच्छी अच्छी चीजें खाने की, उसको मैं पूरी कर पाऊंगी। ये सब लेने के लिए मुनि घर से निकल पड़ता है और मुनि की बीवी ने इतना लंबा लिस्ट उसको बता दिया था कि वो रास्ते में बार बार उसको रिवाइज करते हुए जा रहा था। वो किराने की दुकान के पास पहुंचा और एक उल्टे पड़े हुए सूटकेस के पास बैठ गया। दुकानदार ने, शॉपकीपर, शॉपमैन ने उसको भाव बिल्कुल नहीं दिया। उसका अटेंशन पाने के लिए मुनि खांसता रहा और थ्रोट क्लियर करता रहा और छींकता रहा और शॉपमैन हो गया इरिटेटेड और उसने पूछा, भाई तुम्हें क्या हो रहा है? अगर तुम इतनी जोर से छींकोगे तो उस कुर्सी से उड़ करके तुम इस गटर में गिर जाओगे। उस दुकानदार का दिल जीतने के लिए मुनि हंसने लगा। खास करके वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि शॉपकीपर ने उसको यंग मैन कहा था। मुनि एक बूढ़ा आदमी था जैसे हम जानते हैं। दुकानदार जो है उसने वापस मुनि से कहा कि तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत बची है कि तुम दूसरी बीवी को भी खुश रख सकते हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी बीवी अभी तक जिंदा है। दुकानदार का दिल जीतने के लिए मुनि वापस इस जोक पे हंस पड़ा और ये दुकान वाला ऐसा था कि उसके जोक्स के ऊपर कोई हंसे तो उसको मजा आता था, उसको अच्छा लगता था। मुनि उसके साथ थोड़ी देर के लिए इधर उधर की बातें करता रहा और इवेंचुअली वो जो बातें हैं वो पोस्टमैन की बीवी के टॉपिक से कंटिन्यू होती थी। वो जो पोस्टमैन की बीवी है वो ये गांव छोड़ के कुछ महीने पहले भाग गई थी और इस दुकानदार को पोस्टमैन की निंदा सुनना बहुत पसंद था क्योंकि पोस्टमैन ने उसको चीट किया था। और ये जो पोस्टमैन है वो बहुत ही शाना था, वो 10 दिन में एक बार कृतम आता था लेकिन वो कुछ भी करके इस दुकान को बाईपास कर देता था। ये दुकान जो थी वो 3rd street में थी लेकिन पोस्टमैन कुछ भी करके वो गली में नहीं जाता था, उसको अवॉइड करता था। होता यह था कि इस किराने वाले को हंसा के, उसका दिल जीत के मुनि धीरे से 2-4 चीजें उससे मांग लेता था फ्री में और कहता था कि यार मैं पैसा बाद में दे दूंगा, अभी मुझे चीनी दे दो, यार मुझे अभी थोड़ा सा चावल दे दो, पैसा बाद में दे दूंगा। कभी कभार दुकानदार का मूड अच्छा होता था और उसको चीजें दे देता था और कभी कभार वो मुनि पे चिल्लाता था उसकी डेयरिंग के लिए कि ये उधारी में कैसे क्या मेरे से लेके जा रहा है। हमें पता है कि मुनि की बीवी ने काफी सारी आइटम्स उसको लाने के लिए कही थी लेकिन मुनि ने 2 आइटम से ज्यादा मांगने की डेयरिंग नहीं की। जैसे ही मुनि ने इन 2 चीजों की डिमांड की फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये जो शॉपकीपर दुकानदार उसने क्या किया, उसकी हिसाब की किताब निकाली, एक ऐसी किताब, एक ऐसा लेजर जिसमें वो सब कुछ लिखता था। और मुनि को लगा कि भैया पकड़े गए, उठो और भागो, लेकिन उसके सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसको पकड़ के रखा और वो रेडी हो गया गालियां सुनने के लिए। और शॉपमैन ने कहा कि तुम्हारे 5.5 रुपए मेरे पास है, 5 रुपए से अधिक उधार है मेरे पास, अगर तुम मुझे करीबन 5 रुपए दे दोगे तो तुम्हारा पहले का कर्जा भी सब खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जितनी भी चीजें तुम उधारी में लेके गए सबका हिसाब बराबर हो जाएगा और उसके बाद तुम स्वर्ग में जा सकते हो। दुकानदार बड़े ही कठोर आवाज में पूछता है, भैया अभी कितना है तुम्हारे पास? मुनि धीरे से कहता है कि मैं अगले महीने की 1 तारीख को दे दूंगा। दुकानदार कहता है हमेशा की तरह, और अगले महीने की 1 तारीख को तुम किसको लूटने वाले हो? मुनि को बहुत ही शर्म आई
और उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो मुझे पैसा भेजने वाली है। शॉपकीपर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी बेटी भी है और वो तुम्हें पैसा भेजती है, किसके लिए मुझे बताओ। मुनि कह देता है, बर्थडे के लिए, मेरा 50th बर्थडे है इसलिए। दुकानदार फिर से मजाक करते हुए कहता है, बर्थडे कितने साल के हो भैया। अब मुनि गरीब तो था ही, लेकिन उसको अपनी उम्र का भी अंदाजा नहीं था। वो अपनी उम्र को वंस अपॉन अ टाइम आए हुए अकाल से जज करता था। गांव में एक ऐसा समय आया जब न खाना था न पानी, तो उस समय को रेफरेंस में लेके मुनि अपनी उम्र को कैलकुलेट करता था, इसलिए वो धीरे से कहता है 50। लेकिन हमें पता है कि गांव के लोग गरीब थे और कितनी बार अकाल आ चुका होगा, और बड़ी मुश्किल से मुनि को अपनी जिंदगी चलानी पड़ती थी, इसलिए उसको ये याद नहीं था कि वो कितने साल का था। अब ये जो दुकान है उसके आसपास भी लोग खड़े थे, वो सब सुन रहे थे और देख रहे थे, तो बाकी लोगों को देखकर दुकान वाले को थोड़ी सी एनर्जी मिली, थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिली। मुनि बेचारा लाचार महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी गरीबी सबके सामने खुल गई, लेकिन मैं क्या करूं। दुकानदार कहता है कि भैया तुम 50 साल के नहीं हो रहे हो, तुम 70 इयर्स के हो रहे हो। तुम ये भूल गए कि जब तुम मेरी दुकान में 5 हफ्ते पहले आए थे, तब तुमने यही बहाना मारा था कि तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें कैस्टर ऑयल चाहिए होली बाथ के लिए, नहाने के लिए। मुनि जवाब देता है और कहता है कि नहाने के लिए, नहाने के बारे में कौन सोच सकता है जब घर पे पानी ही नहीं है। मुनि कहता है कि अगर बड़े घर वाले लोग हमें थोड़ा बहुत पानी नहीं देते तो हम मर चुके होते। मुनि ये कमेंट पास करके वहां से निकल गया। मुनि घर पे आया और उसकी बीवी से कहता है, उस हरामजादे ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तुम एक काम करो, ये जो ड्रमस्टिक्स है उनको गांव में बेच के आओ। और ये कहने के बाद वो थकान की वजह से घर के एक कॉर्नर में धड़ से बैठ गया। उसकी बेवी जो है वो इरिटेट होके कहती है, आज तुम्हें कोई सॉस वॉस नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला खाने के लिए, घर पे कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बनाऊं, शाम तक फास्टिंग करो और फास्टिंग सेहत के लिए अच्छा होता है, एक काम करो इन बकरियों को लेके यहां से निकल जाओ और सनसेट तक आना मत, सनसेट से पहले घर पे मत आना। मुनि को पता था कि उसके पास एक ही ऑप्शन था, एंड दैट वाज टू ओबे हिज वाइफ, उसकी बीवी की आज्ञा का पालन करना। अगर उसने ऐसा किया तो समहाउ जब वो शाम में लौटता था तो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ जुगाड़ करके उसने घर पे खाना रेडी रखा होता था। उसको बस ये ध्यान रखना था कि उसको इरिटेट ना करे, उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करे और उसको अनॉय ना करे। वो जानता था कि सुबह सुबह उसका जो टेम्पर है, उसका माइंडसेट है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था, लेकिन शाम तक वो इम्प्रूव हो जाता था। वो ये भी जानता था कि जब मैं घर से चला जाऊंगा तो वो बड़े घर में जा करके कुछ ना कुछ काम कर लेगी, जैसे झाड़ू मारना या तो फिर पोछा लगाना या तो फिर कॉर्न को ग्राइंड करना, और ये सारा काम करके जितना भी पैसा मिलेगा उससे वो खाना खरीदेगी और एटलीस्ट डिनर रेडी रखेगी। इसलिए उसने बकरियों को रस्सी से पकड़ा, रस्सियों को पेड़ से निकाला और वो निकल पड़ा घर से दूर, विचित्र चीखें करते हुए ताकि बकरियां उसको सुने। जैसे वो गांव से गुजर रहा था उसने अपनी मुंडी नीचे कर दी और वो गहरी सोच में डूब गया। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसको बुलाए, वो नहीं चाहता था कि कोई भी उससे मिले। एक मंदिर था जिसके बाहर उसके पुराने दोस्त बैठे हुए थे और उन दोस्तों ने मुनि को बुलाया भी, लेकिन मुनि ने उनकी आवाज, उनका बुलावा अवॉइड किया, इग्नोर किया, और वो
जो दोस्त थे जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे वो मुनि के दिन जब अच्छे थे, जब मुनि का गुड लक था, उसके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां थी, उन दिनों में मुनि को जानते थे। तो मुनि उनको फेस ही नहीं करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त उसको पूछे कि भैया क्या हो गया, सारी भेड़ बकरियां कहां चली गई। वो किसी को भी कन्फ्रंट करना नहीं चाहता था। एक जमाना था जब मुनि के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हुआ करती थी, लेकिन असली पैसा मुनि ऐसा मानता था कि भेड़ में था, क्योंकि लोग शीप वूल खरीदने के लिए आते रहते थे, और फिर वो फेमस बचर, वो फेमस कसाई, वो शहर से आता था और मुनि के लिए तंबाकू लेके आता था, पान लेके आता था, कभी कभार भांग भी लेके आता था, और वो दोनों बैठ के उस कोकोनट पार्क में भांग, तंबाकू और पान खाते थे। और ये कोकोनट पार्क ऐसी जगह थी जहां पे न बीवी आ सकती थी ना ही रिश्तेदार। और मुनि ये मानता था कि भांग, तंबाकू और ये सब पीने के बाद उसको इतना हल्का महसूस होता था कि उसके दिमाग के सारे बुरे विचार नष्ट हो जाते थे। जैसे कि उसका ब्रदर इन लॉ, एक बार ब्रदर इन लॉ ने मुनि के घर को आग लगाने की कोशिश की थी, मुनि को बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उसने पान, तंबाकू और भांग लगाई तो उसके ये बुरे विचारों को नष्ट करने का मन हुआ मुनि को, और उसने अपने ब्रदर इन लॉ को माफ कर देने का सोचा और उसे माफ कर दिया। मुनि ये सब सोच रहा था और उसे लग रहा था कि ये जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी पिछले जन्म की हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब बहुत पहले हुआ था। उसके बाद हुआ ये कि कोई तो अनजान रोग उसकी भेड़ बकरियों को लग गया, जिसकी वजह से एक के बाद एक सारी की सारी भेड़ बकरियां खत्म होने लगी। और जो कसाई, जो कि मुनि का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसने भी इन भेड़ बकरियों को खरीदने से मना कर दिया। और फाइनली मुनि के पास सिर्फ दो कमजोर बकरियां बची थी। और मुनि मन ही मन सोचता था कि काश मुझे इनसे भी छुटकारा मिल जाए। अब जो दुकानदार था जिसने मुनि को सामान नहीं दिया था, उसने मजाक मजाक में उसे कह दिया था कि मुनि 70 इयर्स का हो चुका है। और फिर मुनि ये सोच रहा था कि 70 इयर्स में तो एक बंदा फिर भगवान का नाम ले सकता है और भगवान के बुलावे का इंतजार कर सकता है। मुनि ने सोचा कि अगर उसकी मौत हो गई तो उसकी बीवी क्या करेगी। अब उनको बच्चे तो थे नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे की कंपनी में रहते थे और दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। और मुनि चलते चलते ये सोच रहा है कि जब उसकी शादी हुई थी तब किसी ने उसे बताया था कि मुनि खुद 10 साल का था और उसकी बीवी 8। एक ऐसा रिचुअल था जिसमें मुनि को और उसकी बीवी को अपनी अपनी उम्र बतानी थी, और तब की बात है जब मुनि और उसकी बीवी ने ये उम्र बताई थी और बोलनी पड़ी थी। और ऐसा ज्यादातर हुआ नहीं कि मुनि के पास उसकी बीवी से ज्यादा पैसा था। कभी कभार मुनि के पास बहुत पैसा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुनि की बीवी मुनि से ज्यादा कमा लेती थी, इसलिए वो डोमिनेंट थी, वो हक जताती थी। और बच्चे एक भी नहीं थे जैसा मैंने बताया। मुनि को लगता था कि काश उसके बच्चे होते, अगर उसके बच्चे होते तो एक गुड लक लेके आते, गॉड की ब्लेसिंग लेके आते। और वो ये भी मानता था कि जब एक फैमिली में बच्चा आता है तो उसकी वजह से होता ये है कि लोगों के नसीब खुल जाते हैं। वो ये मानता था कि ऐसे कपल जिनके 14-14 बेटे बेटियां होते हैं वो आराम से रहते हैं खुद के साथ और दुनिया के साथ। फिर वो सोचने लगा कि उसको कितना मजा आया जब उसने अपनी बेटी के बारे में उस दुकानदार को बताया। उस हरामजादे दुकान वाले ने मुनि की बातों को नहीं माना तो क्या हो गया, उसकी बेटी नहीं भी हुई तो क्या हो गया। मुनि का एक कजिन था जो दूसरे गांव में रहता था, उसकी बहुत सारी बेटियां थी और उसकी बेटियां मुनि की बेटियों के बराबर ही थी, और वो सभी को चाहता था और कभी कभार उन बेटियों के लिए स्वीट्स भी लेके जाता था अगर उसके पास पैसा रहा। लेकिन
कजिन की बेटियों के साथ रिलेशन होने के बावजूद गांव में सब लोग बातें करते थे कि मुनि और उसकी बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मुनि ने चलते चलते किसी से भी नजरें मिलाना अवॉइड किया, सभी को इग्नोर किया। और मुनि मानता था कि काफी लोग झूठ बोलते थे जब वो ये कहते थे कि उनके पास मुनि से ज्यादा पैसा है। फिर मुनि ने सोचा कि मेरी कास्ट में, मेरी रेस में, मेरी जाति में मैं सबसे गरीब हूं, तो ऑब्वियसली लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लेकिन मैं भी उनके सामने नहीं देखूंगा। इसीलिए वो अपनी नजर झुकाए हुए चलता गया और लोगों ने भी उसको अकेला ही छोड़ दिया था। और सिर्फ मुनि के बारे में गॉसिप करते थे, बातें करते रहते थे। और वो क्या बातें करते थे, देखो जा रहा है बेचारा अपनी दो बकरियों के साथ, अगर वो अपनी बकरियों को मार दे तो शायद उसको थोड़ी सी शांति मिल जाए। और वैसे भी उसको किस बात की चिंता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ खोने के लिए है ही नहीं। ये सारी बातें करते थे जब मुनि उस गांव से गुजरता था। गांव के बाहर निकलने के बाद ही वो अपना सिर ऊंचा रख के चलता था। गांव के तट पर जहां पे वो घोड़े का स्टैच्यू है, वहां पे मुनि अपनी बकरियों को लेके जाता था और बाकी दिन वो उस घोड़े के स्टैच्यू के पेडेस्टल यानी कि एक मूर्ति तल पे बैठा रहता था। इस तरह वहां पे बैठे रहने का एक फायदा था। फायदा ये था कि वहां पे बैठ के वो हाईवे से गुजरती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख सकता था, जिसको देख के उसका अकेलापन दूर हो जाता था। उसको लगता था कि मैं भी इस दुनिया से बिलोंग करता हूं, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। उस हॉर्स के स्टैच्यू का पेडेस्टल बहुत ही ब्रॉड था, तो सूरज अगर सर के ऊपर भी आ गया तो वो घोड़े के पेट के नीचे सो जाता था ताकि उसको छाया मिले। और वो जो घोड़ा था वो भी एक लाइफ साइज घोड़ा था, यानी कि बहुत बड़ा, और ऐसा लगता था कि वो रियल है। वो मिट्टी से बना था, उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे कलर्स डाले हुए थे। अपना सिर बड़ी ही खुशी से उठाया हुआ था और आगे का एक पैर उसने हवा में ऊंचा भी किया हुआ था, और उसकी पूंछ को देख के ऐसा लगता था कि वो बड़ी ही तेजी से हिला रहा है। उसके बगल में एक योद्धा भी बना हुआ था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उसकी आंखें निकली हुई थी और बड़ा ही तेज नाक था। मुनि के जमाने के लोग ऐसा मानते थे कि अगर एक मूर्ति की बनावट इस तरीके से की जाए, स्पेशली इफ इट्स अ वॉरियर, कि उसकी आंखें बाहर हो या उसकी मूछें बड़ी बड़ी हो और शार्प हो, तो वो उस योद्धा की ताकत दिखाती है। और उस योद्धा की छाती में भी मोती डाले हुए थे जो कि बेहद खूबसूरत लगते थे। और मुनि ने देखा था कि वो मोती वंस अपॉन अ टाइम नौ रत्न की तरह चमकते थे। मुनि को याद था कि जो घोड़ा है वो भी दूध के जैसा सफेद था, बिल्कुल वैसे जैसे धोबी एक कपड़े को रगड़ रगड़ के सफेद बना देता है। और उसकी पीठ के ऊपर एक लाल और काले रंग का चमकदार कपड़ा भी रखा हुआ था जो कि योद्धा की कमर पे बांधे हुए कपड़े के साथ मैच करता था। लेकिन मुनि के अलावा गांव में कोई और इसके बारे में नहीं जानता था और किसी ने इस घोड़े की परवाह तक नहीं की थी। और मुनि भी ज्यादातर पैदल चलता था, तो बाद में उसने भी अपनी नजरें उठा के उस घोड़े का निरीक्षण नहीं किया था। और गांव के कुछ ऐसे बदमाश लोग थे जिन्होंने हाईवे के माइलस्टोन्स भी उड़ा दिए थे और उसके ऊपर गंदी गंदी डिजाइन बना दी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस घोड़े को नष्ट नहीं किया। उन्होंने काफी नुकसान किया, गांव के
पेड़ों पर भी चाकू से निशान बना दिए, लेकिन इस घोड़े को तोड़ने की परवाह उन्होंने भी नहीं की थी। इसलिए ये स्टैच्यू किसी न किसी तरह वहीं पे रहा था। एक जमाना था जब वो घोड़े का स्टैच्यू उस गांव के करीब हुआ करता था, लेकिन जब से गांव के पास हाईवे बनी है तब से स्टैच्यू और गांव की दूरी भी बढ़ गई थी। अब मुनि उस स्टैच्यू के नीचे बैठा रहा और अपनी बकरियों को चराई करते हुए देख रहा था। बकरियां सिर्फ सूखी घास और कैक्टस खा रही थी। उसने देखा कि सूरज अभी भी पश्चिम की ओर झुका हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी तक घर जाने का समय नहीं हुआ है। उसको पता था कि अगर वो जल्दी घर चला गया तो शायद उसकी बीवी का मूड ठीक नहीं हुआ होगा और शायद उसके लिए उसने खाना भी ना बनाया हो, इसलिए वो वहीं पे बैठा रहा। अगर वो थोड़ा सा लेट जाएगा तो उसके दो फायदे हैं, एक तो उसे खाना मिल जाएगा और दूसरा उसकी बीवी को इस बात से खुशी होगी कि मुनि ने काफी देर तक बकरियों को खिलाया। अब मुनि के पास ना घड़ी थी और ना समय का अंदाजा लगाने के लिए कोई और तरकीब, लेकिन एक चीज थी जिससे वो समय का अंदाजा लगाता था और वो है गाड़ियों का आना जाना। मुनि को पता था कि जब ग्रीन कलर की बस उसके सामने वाले रोड से निकलेगी तो उसको घर जाने के लिए वहां से निकलना है। वो घोड़े के नीचे बैठा हुआ है और उस रास्ते को देख रहा है जो बिल्कुल उसके सामने है। अब उसने देखा कि एक अजीब सी गाड़ी उसकी ओर आ रही थी, बहुत ही स्पीड से आ रही थी, और ये जो गाड़ी है वो मोटर कार और बस दोनों का मिश्रण लग रही थी। मुनि को ऐसी गाड़ियां देख के और नई नई चीजों को देख के बड़ा ही मजा आता था, लेकिन कुछ दिनों से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इसकी वजह से मुनि बहुत सारी गाड़ियों को नहीं देख पा रहा था, बहुत सारे लोगों को नहीं देख पा रहा था। वो इन सब चीजों को देख के घर जाता था और घर जाके उसकी बीवी को सब कुछ बताता था जो भी उसने देखा, लेकिन कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाता था और ऊपर ऊपर से ही उसकी बीवी को बता देता था, उसका वर्णन कर देता था। आज के दिन उसने देखा कि एक अजीब सी येलो कलर की गाड़ी उसके सामने आ रही है, उसकी ओर आ रही है, और फिर मन ही मन वो सोच रहा है कि इस इंसिडेंट को अपनी बीवी के पास जा करके मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, कैसे वर्णन करूंगा, वो दिमाग में फॉर्मुलेट कर रहा है। और वो जो गाड़ी है, वो अजीब दिखने वाली गाड़ी मुनि के सामने कुछ अजीबोगरीब आवाज करते हुए रुकी। गाड़ी के अंदर से एक फॉरेनर बाहर आया जो कि गाड़ी का चालक भी था। वो गाड़ी के नीचे आया और उसने गाड़ी की जांच की कि उसकी गाड़ी ठीक है या नहीं, और फिर उठ खड़ा हुआ, फिर गाड़ी के डैशबोर्ड पे देखा। उसने देखा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया है, और फिर मुनि के सामने देखा और मुनि के पास चला गया और मुनि को उसने पूछा, Excuse me, is there a gas station nearby or do I have to wait until another car comes? माफी चाहता हूँ, क्या यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है या मुझे किसी और गाड़ी के आने का इंतजार करना पड़ेगा? और मुनि से उसकी नजर हटी और उस फॉरेनर की नजर पड़ी उस लाजवाब घोड़े के स्टैच्यू पे। अब इस फॉरेनर को यकीन नहीं हुआ जो वो देख रहा था और वो बोला, मार्वेलस। उसने अपना पुराना वाक्य खत्म ही नहीं किया। मुनि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुनि को ऐसा लगा कि उसको खड़ा होकर के भागना चाहिए, लेकिन फिर उसकी उम्र भी तो बढ़ गई थी इसलिए उसने अपनी उम्र को गाली दी। उसने मन ही मन सोचा कि अपने हाथ पैरों को वो एक्शन में लगा सकता है, वो भागना शुरू कर सकता है, लेकिन ये कुछ साल पहले संभव था। कुछ साल पहले मुनि का यह मानना है कि वो चीता को भी हरा सकता था, उतनी स्फूर्ति थी उसके अंदर। हुआ यह था कि एक बार जब वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था तो उसकी दो भेड़ को किसी मांसाहारी प्राणी ने खा लिया था, तो मुनि ने सोचा कि जरूर बुरा वक्त आने वाला है। मुनि ने इस संकेत को समझा और सोचा कि बुरा वक्त आने ही वाला है। फिर उसने सोचा कि अगर उसने कोशिश भी की भागने की तो, और मान लो कि वो भाग भी गया, तो फिर इन बकरियों का क्या,
इन बकरियों को तो पीछे छोड़ नहीं सकते। मुनि ने देखा कि उस फॉरेनर ने खाकी कपड़े पहने हुए थे और मुनि के हिसाब से पुलिस वाले और सिपाही ही खाकी कपड़ों में रहते थे। तो मुनि ने सोचा कि या तो ये फॉरेनर जो है वो पुलिस वाला होगा या तो एक सिपाही होगा। अब मुनि सोचने लगा कि अगर मैं भागा तो ये बंदा या तो मेरे पीछे भागेगा या तो मुझे गोली से उड़ा देगा। और मुनि ने ये भी सोचा और उसका ये अवलोकन था कि कुत्ते, उसके गांव के कुत्ते उन्हीं लोगों के पीछे भागते थे जो उनको चिढ़ाते थे और वो खुद भागते थे। जिन लोगों को भागने का शौक था उनके पीछे गली के कुत्ते भी भागते थे, ऐसा मुनि ने देखा था। अब लाचारी में उसने प्रार्थना शुरू कर दी। उसने कहा, हे शिवा, मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं पता ये आदमी क्यों मेरे पीछे है। और उसी दौरान उस फॉरेनर ने फिर से कहा, मार्वेलस, और अपनी मुंडी हिलाने लगा। ऑफ कोर्स इन अप्रिसिएशन उसको वो मूर्ति बहुत पसंद आ गई थी। फिर वो मूर्ति के इर्द गिर्द चलने लगा और उसका निरीक्षण करने लगा और मुनि ने बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया था और उसके लिए रास्ता बना रहा था। अब अचानक से उस फॉरेनर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और मुस्कुराया और कहा, नमस्ते, हाउ डू यू डू, नमस्ते, आप कैसे हो। मुनि को सिर्फ दो ही अंग्रेजी शब्द आते थे, यस नो। तो अगर उसने इंग्लिश सुना किसी भी आदमी से तो वो एक ही जवाब देता था, यस नो। और इंग्लिश वोकैबुलरी नास आते हुए उसने अपनी मदर टंग यानी कि तमिल में बोलना शुरू कर दिया। देखिए, मेरा नाम मुनि है और ये बकरियां दोनों मेरी है और कोई नकार नहीं सकता कि ये बकरियां मेरी नहीं है। हालांकि मेरे गांव में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये जो बकरियां हैं वो मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये बकरियां सिर्फ मेरी है। और फिर वो गांव की ओर अपने हाथों से इशारा करने लगा और अपनी आंखों से भी ऐसे एविल थॉट्स दिखाने लगा उस फॉरेनर को। वो फॉरेनर ने, वो विदेशी ने बड़ी ही ईमानदारी से उस दिशा में देखा जहां पे मुनि दिखा रहा था, समझने की कोशिश की मुनि को। और थोड़ी देर तक उसने देखा कि वहां पे बकरियां थी और वहां पे पत्थर थे और कुछ नहीं था। और बड़े ही पजल्ड एक्सप्रेशन से उस फॉरेनर ने एक सिल्वर केस निकाला जिसके अंदर सिगरेट्स पड़ी हुई थी। फॉरेनर सिगरेट पीने लगा, एक सिगरेट उसने निकाली और उसके देश में जो संस्कार होते हैं उसको याद करते हुए एक सिगरेट उसको मुनि को देने का मन किया और उसने पूछा, क्या आप सिगरेट पीते हैं। मुनि ने कहा, यस नो। और उसके बाद उस विदेशी ने मुनि को एक सिगरेट दी जिसने बड़े ही आश्चर्य से सिगरेट ले ली उस विदेशी से। और मुनि को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों में किसी ने भी मुझे एक सिगरेट ऑफर नहीं की, लेकिन ये बंदा मुझे कैसे सिगरेट दे रहा है। और फिर वो सोचने लगा कि वो दिन गए जब मैं भांग पीता था, वो दिन गए जब मेरे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, और वो दिन गए जब मैं वो बड़े दिल वाले कसाई के साथ बैठ के भी भांग पीता था, सिगरेट्स और बीड़ियां पीता था। और अब उसकी ये हालत हो गई थी कि वो एक मैच बॉक्स भी नहीं खरीद सकता था, भांग तो भूल ही जाओ। उसकी बीवी जो है वो खाना बनाने के लिए पड़ोसी से फायर, अग्नि का जुगाड़ किसी न किसी तरह से करती थी और खाना बनाती थी। मुनि को हमेशा से ही सिगरेट पीनी थी। सिर्फ ऐसा एक बार हुआ था कि किसी उदार बड़े दिल वाले दुकानदार ने मुनि को उधारी में एक सिगरेट दी थी और मुनि ने उसको याद रखा था। वो जो फीलिंग थी, वो जो एहसास था, उसने याद रख लिया कितना अच्छा होता है ये सिगरेट पीने से। और फिर फॉरेनर ने अपनी जेब से लाइटर भी निकाला और जलाया मुनि के सामने ताकि वो अपनी सिगरेट जला सके। लेकिन मुनि को इतना कंफ्यूजन था, वो इतना विचलित था, वो समझ नहीं पा रहा था सिचुएशन को, उसने फूंक मार के बुझा दिया। अब उस विदेशी ने, उस फॉरेनर ने इसको अनदेखा किया और फिर से उसने लाइटर जलाया और मुनि की सिगरेट भी जलाई। मुनि ने उसमें से एक लंबा सा कश लिया और फिर खांसने लगा।
उसको परेशानी हुई, उसको तकलीफ हुई, और क्यों नहीं, बड़े सालों के बाद किसी ने एक बढ़िया सी सिगरेट दी थी और उसको बेहद अच्छा लगा, उसको बेहद अच्छा महसूस हुआ और वो खांसने लगा, आंखों से आंसू आने लगे, और जबकि उसकी खांसी बंद हुई उसने अपने आंखों से आंसू पोछे और फिर उस हालात को समझने की कोशिश की। फिर उसने सोचा कि यार इसने खाकी कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी ये बंदा कोई गलत इंसान नहीं लग रहा है और मुझे हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मुनि ने सोचा कि मुझे चौकन्ना रहना चाहिए और ऐसे इंसान से दूर जाने की या भागने की जरूरत नहीं जो एक इतनी अच्छी सिगरेट देता हो। और उसका दिमाग, मुनि का दिमाग घूमने लगा था। ये सिगरेट बहुत ही बढ़िया थी, ये अमेरिकन सिगरेट थी जिसमें भुना हुआ तंबाकू था। और उस विदेशी ने कहा, I come from New York, मैं न्यूयॉर्क से आया हुआ हूँ। और फिर उसने अपने वॉलेट से उसका आईडी कार्ड मुनि को दिखाया। मुनि आईडी कार्ड से दूर हो गया, उसको लगा कि ये जो भाई साहब है वो पुलिस है और वो मुझे अरेस्ट वारंट दिखा रहे हैं। और मुनि ने सोचा कि इस बंदे से चौकन्ना रहना है, उसके करीब नहीं जाना है, सिगरेट भांग बीड़ी वगैरह जो भी वो दे रहा है ले लो, लेकिन फिर भी इन खाकी पहने हुए लोगों से सावचेत रहो। और फिर उसने सोचा कि काश मैं 70 इयर्स का नहीं होता जैसे उस दुकान वाले ने मुझे बोला था। उसने सोचा कि 70 इयर्स पे बंदा क्या कर सकता है, मुसीबत अगर आई, अगर चोर आए, अगर पुलिस आई, उसको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। इसलिए फिर से मुनि ने अपनी उम्र को गाली दी। उसके पास एक ही हथियार था इस परेशानी से निपटने का और वो था उस बंदे को बातों में उलझाना। इसीलिए हालात को समझते हुए वो अपनी मदर टंग तमिल में शुरू हो गया। वो बोलने लगा कि बड़े से बड़े लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा नकारते हैं, वो भी इस फैक्ट को मना नहीं कर सकते कि महान कवियत्री अवैयर का जन्म यहीं पे हुआ था। हालांकि ये कोई भी नहीं बता सकता कि वो क्रीतम में हुआ था या कुप्पम में हुआ था जो कि बाजू वाला गांव है। और यही सब सोच करके और तमिल भाषा का गर्व महसूस करते हुए मुनि बिना रुके बोलने लगा, भगवान को साक्षी मानते हुए मैं आपको बताता हूं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर किसी की हत्या हुई है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और वो बंदा बच नहीं पाएगा। भगवान सब कुछ देख रहा है और आप मुझे उसके बारे में मत पूछिए, मुझे उस हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। हुआ ये था कि क्रीतम और कुप्पम के बीच में एक लाश मिली थी एक इमली के पेड़ के पास, और इस वजह से लोग काफी सारी बातें कर रहे थे और बेचारा मुनि सोच रहा था कि ये भाई साहब कोई पुलिस वाला है जो उसको गिरफ्तार करने आया है, ये पुलिस वाला है जो ये सोच रहा है कि मुनि ने उसकी हत्या की है। मुनि सोच रहा था कि शायद ये बंदा उसकी पूछताछ करने आया है, इसलिए वो अपनी मातृभाषा में बोलने लगा, मुझे कुछ नहीं पता, भगवान है, वो बंदा बचेगा नहीं जिसने खून किया है वगैरह वगैरह। वो बोला कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस गांव में कुछ भी हो सकता है, लोग पागल हैं और लोग लालची भी हैं और स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उस विदेशी ने अपना सिर हिलाया और बड़े ही ध्यानपूर्वक दिलचस्पी से सुना, लेकिन उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस विदेशी ने मुनि को कहा कि मैं 100% जानता हूं, आई एम वेरी श्योर कि आपको पता होगा कि ये घोड़ा कब बना है, कैसे बना है। और विदेशी ने थोड़ी बहुत उत्सुकता दिखाई। अब मुनि ने महसूस किया कि ये कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है, सब ठंडा हो चुका है, और इसलिए मुनि बड़े ही रिलैक्स टोन में उसने प्रार्थना की, साहब यहां से आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको वादा करता हूं कि अगर ऐसा कोई भी इंसान मुझे देखा जो कि मुझे लगे कि हत्यारा है तो मैं उसको जमीन में गाड़ दूंगा।
उसके गले तक उसको जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत ही क्लीन है। मैं आपको कहता हूं ना कि ये हमारे विलेज में नहीं हुआ होगा, ये बगल वाले विलेज में हुआ होगा। अब वो विदेशी ने मुनि से कहा, देखिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत ही धीरे बोलूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बेग करता हूं, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं आता? मैं काफी जगह घूम के आया और मेरी यही इंग्लिश भाषा से मैंने सभी के साथ बातचीत की और मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी लोगों को इंग्लिश आती है। क्या आपको कोई रिलीजियस इश्यूज हैं अंग्रेजी भाषा के साथ? क्या आपको इस भाषा से नफरत है? ये सुन करके मुनि ने कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकाली और अपनी मुंडी हिलाई। ये बात जाहिर है कि मुनि कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो सिर्फ बिना सोचे समझे इशारे कर रहा था। उस विदेशी को लगा कि शायद मुनि इंग्लिश समझने के लिए तैयार है, इसलिए वो विदेशी मुनि के बगल में जाके बैठ गया और मुनि को डिटेल में धीरे धीरे बोलते हुए समझाने लगा। उस विदेशी ने इंग्लिश में मुनि को कहा कि देखिए ये पिछले अगस्त की बात है कि जो समर है, समर सीजन है, वो बहुत ही हॉट था, गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और मैं अपने शर्ट स्लीव्स पहने हुए ऑफिस में काम कर रहा था जो कि 40th फ्लोर पे है, 40वें मंजिले पर है, और वो कहाँ पे? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और वहां पे पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट गई और आपको पता है मैं वहां पे 4 घंटे के लिए फंसा हुआ था, ना कोई एलिवेटर चल रहा था और ना ही एसी। और उसके दौरान मैं यही सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसी जगह जाना है जहां पे लोग काफी एडजस्टमेंट करते हुए जीते हैं। तो जैसे ही मैं कनेक्टिकट पहुंचा मेरे घर, मेरी वाइफ रुथ को मैंने कहा कि हम इस विंटर इंडिया घूमने के लिए जाएंगे। अगले दिन मेरी बीवी ने एक ट्रैवल एजेंट को कॉल किया और फिर हमारा प्लान फिक्स हो गया और इसीलिए मैं यहां पे हूं तुम्हारे साथ। रुथ मेरे साथ ही आई हुई है लेकिन वो श्रीनगर में है और मैं घूम रहा हूं और उसको मैं बाद में मिलूंगा, बाद में हम एक साथ हो जाएंगे। मुनि ने इस विदेशी की लंबी सी कहानी का जवाब देते हुए बड़ी कमजोरी से कहा यस नो, और फिर वापस उसने अपनी तमिल भाषा में बोलना शुरू किया। जब मैं इतना था, मुनि ने अपने हाथों से 1 फुट तक होने का संकेत दिया। उसने कहा कि जब मैं इतना था, जब मेरी हाइट इतनी थी, तब मेरे अंकल ने मुझे कहा था। अब ये कोई नहीं बता सकता था कि मुनि क्या बोलने वाला है। उस विदेशी ने वापस उसको रोकते हुए, मुनि को रोकते हुए कहा, बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारे स्वस्थ दांतों का राज क्या है भाई, तुम कितने साल के हो। अब मुनि जो बोलने वाला था वो भूल गया और फिर कुछ और ही बोलने लगा। मुनि ने कहा कि कभी कभार हम अपनी भेड़ बकरियों को खो देते हैं, यहाँ पे चीता जैकल्स वगैरह उनको खा जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जो बगल वाले जो लोग हैं वो इनको चोरी करके लेके जाते हैं, और जब ऐसी चोरियां होती है तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि किसने किया। हमारे गांव के जो पंडित जी हैं, जो मंदिर पे रहते हैं, वो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चोरी किसने की। अब मुनि जब ये बता रहा था तब वो अपने हाथों से बड़े ही दिलचस्प इशारे कर रहा था। उस विदेशी ने ये सारे संकेत बड़े ही गौर से देखे, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखे और फिर उसने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें कुछ काटना है ना, तुम्हें लकड़ियां काटनी है ना, चलो मैं पकड़ता हूं और तुम काटना शुरू करो, तुम्हारी कुहाड़ी कहां है, तुम अपनी कुहाड़ी मुझे दे दो क्योंकि मुझे भी चॉपिंग करना है, मुझे भी काटना अच्छा लगता है, ये सिर्फ मेरी हॉबी है, मुझे लकड़ियां काटने में बहुत मजा आता है। मेरे घर के पीछे एक नदी है जहां पे कई बार ऐसी लकड़ियां तैरते हुए घर तक आती है और रविवार को मैं सिर्फ और सिर्फ उन लकड़ियों को काटता हूं।
हमारे घर की फायर प्लेस के पास जहां पे काफी गर्माहट मिलती है। मुझे उस फायर प्लेस को और खास करके उस फायर को देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ये बात अलग है कि उसको प्रज्वलित करने में पूरा का पूरा संडे न्यूयॉर्क टाइम्स का ही उपयोग क्यों ना करना पड़े, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का त्याग ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे वो फायर के पास बड़ा अच्छा लगता है। और फिर वो विदेशी भी मुस्कुराने लगा और हंसने लगा। मुनि ने ये महसूस किया कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है। उसको बड़ा ही विचलित महसूस हुआ, कंफ्यूज महसूस हुआ और उसने सोचा कि अब सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वापस घर चले जाएं। इसलिए उसने पलट के वापस घर जाने की कोशिश की, उस जगह से दूर जाने की कोशिश की जहां पे वो विदेशी था। उसने ये इशारा भी किया जो क्लियरली दिखा रहा था कि मुनि विदेशी को ये कहना चाहता था कि आई मस्ट गो होम। उस विदेशी ने मुनि का शोल्डर कंधा पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि क्या यहां पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो मेरे लिए ट्रांसलेट कर सके, जो मेरी इंग्लिश को ट्रांसलेट करके इस आदमी को समझा सके। उसने उस रास्ते में लोगों को ढूंढने की कोशिश की और उसको कोई भी नहीं मिला। और ये दोपहर का समय था जब गर्मी बहुत थी और अचानक से धूल और बिखरे हुए पत्तों का छोटा सा तूफान आया और पर्वत की ओर चला गया। उस अजनबी विदेशी ने अभी भी मुनि के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ था। मुनि को उस स्टैच्यू की ओर घुमाया और पूछा, क्या ये स्टैच्यू तुम्हारा है? तुम इस स्टैच्यू को मुझे बेच क्यों नहीं देते? अब मुनि को इतना तो समझ में आ गया था कि बात स्टैच्यू की है, बात इस घोड़े की है। और फिर से वो तमिल में शुरू हो गया। वो बोलने लगा और कहने लगा कि मैं इतना था, मैं बहुत छोटा था जब मेरे दादाजी ने मुझे इस घोड़े और इस योद्धा के बारे में बताया था, और मेरे दादाजी इतने थे जब उनके दादाजी ने उनको इस घोड़े के बारे में बताया था, और उनके दादाजी। फिर से उस विदेशी ने मुनि को रोका और मुनि को कहा कि देखिए, मैं यहां पे बिना वजह नहीं रुका हूं। मैं इस घोड़े के लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। और उसने घोड़े की ओर इशारा किया। उसने ये तारण निकाला था, उसने ये अज्यूम किया था, कंक्लूजन निकाला था निसंदेह, विदाउट अ डाउट, कि ये घोड़ा इस मुनि का है। अब मुझे और आपको पता है कि घोड़े का और मुनि का कोई संबंध नहीं है। मुनि सिर्फ वहां पे आके बैठता था, वो घोड़ा उसका नहीं था। लेकिन फॉरेनर जो कि वहां से गुजर रहा था, उसको लगा कि मुनि क्योंकि उसके नीचे बैठा है, वो उस स्टैच्यू को बेचने के लिए बैठा है, इसलिए वो सौदा कर रहा था। और फिर फॉरेनर को लगा कि उसने जैसे बाकी इंडिया के हिस्सों में देखा है कैसे लोग अपने अपने सोविनियर्स लेके बैठते हैं, मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी की बनी हुई चीजें लेके बैठे हैं, वैसे ही इस फॉरनर को लगा कि मुनि इस घोड़े को लेकर के घोड़े को बेचने के लिए बैठा है। मुनि को इस बात का संतोष हुआ कि एटलीस्ट उस मर्डर और हत्या से यह टॉपिक चेंज होकर के घोड़े की ओर आ चला है। मुनि को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, उसको लगा कि अब ये बंदा उस हत्या की बात नहीं कर रहा है, अब वो घोड़े की बात कर रहा है, तो उसको टेम्पररीली थोड़ा सा अच्छा लगा। और फिर बड़ी ही दिलचस्पी से वापस वो बोलने लगा कि मैं इतना था जब मेरे दादाजी ने मुझे इस घोड़े और योद्धा के बारे में बताया था, और मेरे दादाजी इतने थे जब उन्होंने उनके दादाजी से इस घोड़े और योद्धा के बारे में सुना था, और हर बार जब वो अपने दादाजी और अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहा था तो वो भावुक हो रहा था और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो रहा था और भूतकाल में चला जाता था। और ये सब सिर्फ
उस स्टैच्यू का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। मुनि की तमिल भाषा को सुन के उस विदेशी को बड़ा मजा आ रहा था। उसको लग रहा था कि ये भाषा बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, और उसकी क्यूरियोसिटी जगी और उसने कहा, काश मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेके आया होता। उसने कहा कि तुम्हारी भाषा सुन के मुझे एक अलग ही किक महसूस होती है, एक अलग ही मजा आता है तुम्हारी भाषा सुन के। तुम्हारी भाषा बेहद खूबसूरत है, जो भी तुम बोल रहे हो एक एक शब्द मुझे अच्छा लग रहा है। और उसने अपनी उंगलियों से अपने कानों को दिखाया और कहा कि देखिए, आपको मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं कि घोड़ा कैसे आया और क्या प्रोसीजर होगा और कैसे मिलेगा, आप इसमें एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। अब मुनि अपनी ही दुनिया में है और फिर बोल पड़ता है। मुनि ने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, हमारे जमाने में सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही स्कूल जाते थे, लेकिन हम लोगों को खेतों में जाके सुबह से लेकर शाम तक काम करना था। हम बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक वहीं पे रहते थे, और जब पोंगल का फेस्टिवल आता था तो हम फसल काटते थे, और फसल काटने के बाद मेरे पापा जी मुझे बच्चों के साथ खेलने की इजाजत देते थे और हम उस टंकी के पास खेलते थे, और इसीलिए मुझे परंगी लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो नहीं आती, हमारे जो दोस्त है उनको भी नहीं आती। आपके देश में आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके साथ रहने वाले सब परंगी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विद्वान लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स और शिक्षित आदमी ही परंगी, मुनि का मतलब है फिरंगी यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज जानते हैं। फिर मुनि उसके गांव के पोस्टमैन को बीच में लाता है और कहता है कि हमारे गांव में एक पोस्टमैन है जो आपकी भाषा बोल सकता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलता है, बोल्डली आपकी भाषा बोलता है, लेकिन उसकी बीवी भी किसी के साथ भाग गई और उसके बाद वो किसी के साथ बात नहीं करता। और कोई भी इंसान जिसके साथ ऐसी घटना घटी है वो किससे बात करेगा, ऐसा इंसान दुखी रहेगा। इन औरतों पे नजर रखनी चाहिए, नहीं तो वो खुद को तो बेचेंगी ही लेकिन हमारे घर को भी बेच डालेगी। इस जोक पे मुनि खुद ही हंस पड़ा और मुनि को हंसते हुए देख करके वो विदेशी भी हंस पड़ा। उसने एक और सिगरेट निकाली, मुनि को भी दी और मुनि बहुत ही आसानी से उसमें से लंबी लंबी कश लगाने लगा। और मुनि ने सोचा कि मुझे इसको अच्छी अच्छी बातें करनी है और मुझे सिगरेट देता रहेगा, जब तक सिगरेट का सप्लाई चालू है अच्छी अच्छी बातें करते रहो। अब वो अमेरिकन घोड़े के पेडेस्टल पे खड़ा हो गया, उसी पेडेस्टल पे जिस पे मुनि बैठा करता था, और एक टीचर की तरह, एक लेक्चरर की तरह उसने अपनी उंगलियां घोड़े के गले पर किए हुए डेकोरेशंस पर चलाई और धीरे से एक एक शब्द ध्यानपूर्वक बोलने लगा कि देखिए, मैं किसी से भी अच्छा सेल्स टॉक दे सकता हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है मार्वेलस कलर्स का, ये जो येलो कलर है, इंडिगो कलर है, ये जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि वो अभी फेड हो चुका है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप लोग ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे फ्लेमिंग कलर्स, इतने अच्छे दिखने वाले कलर्स आप कैसे बनाते हो, कैसे लाते हो आप इतनी लाजवाब चमक। मुनि को कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन उतना समझ में आ रहा था कि बात घोड़े की हो रही है। वो एटलीस्ट रिलैक्स था ये जानते हुए कि बात उस डेड बॉडी की नहीं हो रही है, उस हत्या की नहीं हो रही है, बल्कि इस घोड़े की हो रही है, इसलिए वो और शांत हो गया। मुनि ने कहा, ये हमारा गार्जियन है, ये हमारा रक्षक है, इसका मतलब है कि हमारे सारे दुश्मनों का सर्वनाश। मुनि कहता है कि कलयुग के अंत में ये जो हमारी दुनिया है और बाकी जितनी भी दुनियाएं हैं वो नाश हो जाएगी, और एक रिडीमर यानी कि बचाने वाला जो है वो घोड़े के फॉर्म में आएगा और उसका नाम होगा कल्की, और ये जो घोड़ा आप देख रहे हो उसके अंदर जान आ जाएगी और वो छलांगे लगाने लगेगा और सारे बुरे इंसानों का
खात्मा कर देगा। और जब वो बुरे इंसानों के बारे में बात कर रहा था तो उस दुकान वाले का इमेजिनेशन और उसके ब्रदर इन लॉ का इमेजिनेशन, इन दोनों के इमेजिनेशन मुनि के दिमाग में आए, क्योंकि दुकान वाले ने मुनि को कर्जे में चीजें नहीं दी थी और उसका जो ब्रदर इन लॉ है उसने मुनि के घर को आग लगाने की कोशिश की थी। और वो इन सारी बातों को बताते हुए बड़ा ही आनंद महसूस कर रहा था और वो एक अलग ही इमेजिनेशन में चला गया, अलग ही माइंडसेट में चला गया, वो विजन्स देखने लगा और फिर उसकी बातों में पॉज आया, ठहराव आया। इस ठहराव का एडवांटेज ले लिया उस विदेशी ने और वो बोल पड़ा। उस विदेशी ने कहा कि देखिए, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, मैं अश्योर करता हूं कि ये जो घोड़ा है उसको मैं बहुत ही संभाल के रखूंगा अमेरिका में। मेरे घर में एक बुक केस है जहां पे किताबें रखी हुई है। देखिए, मुझे किताबों से प्यार है और मैं 5 बुक क्लब्स का मेंबर भी हूं, और ये जो बोनस में मुझे बुक्स मिलती है उसका बहुत ही बड़ा पाइल हो चुका है जो लिविंग रूम में है, और वो इस घोड़े के जितना ही लंबा है, बुक्स बहुत सारी है, लेकिन उन बुक्स को जाना होगा। अब मेरी बीवी है, शायद मना करेगी, लेकिन मैं उसको मना लूंगा और उस घोड़े को वहां पे रखूंगा। और मेरे घर पे टीवी है, उसको भी मैं हटा दूंगा। मैं सारा कुछ लिविंग रूम में नहीं रख सकता। अब रूथ जो है वो मुझे पूछेगी कि हम पार्टी कैसे करेंगे, इतने बड़े घोड़े को अगर आप घर पे लेके आओगे तो पार्टी का क्या होगा। लेकिन मैं उसे कहूंगा कि इस घोड़े को मिडल में रखेंगे, ड्राइंग रूम के बीच में, और पार्टी तो उसके इर्द गिर्द भी हो सकती है और हम अपनी ड्रिंक्स इस घोड़े के इर्द गिर्द खड़े होकर के भी पी सकते हैं। अब विदेशी अलग दुनिया में है, मुनि अलग दुनिया में। मुनि ने कंटिन्यू किया और उसकी जो दुनिया का सर्वनाश होने वाली जो बातें थी वो उसने कंटिन्यू की। उसने कहा कि हमारे जो पंडित हैं गांव में, उनके भाषण मैंने सुने थे और उन्होंने कहा था कि कैसे ये सारे समुद्र जो हैं वो पूरी धरती पे हावी हो जाएंगे और कैसे हम सबको निगल जाएंगे। तब ये जो घोड़ा है वो अपने कद में बड़ा होगा और जितना पानी छाएगा समुद्र की वजह से उससे भी बड़ा होगा, और सिर्फ अच्छे लोगों को उसके ऊपर बैठने देगा और बाकी बुरे लोग हैं उनको पानी में डुबा देगा और बहुत सारे लोगों को डुबाएगा। और फिर से वो अलग अलग विजन्स देख रहा था, अपने दुश्मनों के बारे में सोच रहा था मुनि, और फिर फॉरेनर को पूछा, क्या आप जानते हैं ये कब होने वाला है। फॉरेनर उस मुनि के बोलने के ढंग से थोड़ा बहुत पहचान पा रहा था। जिस तरीके से मुनि कह रहा था और जिस तरीके से मुनि ने सवाल पूछा था तो फॉरेनर को लगा कि शायद मुनि ये पूछ रहा है कि ये विदेशी उस स्टैच्यू को कैसे अमेरिका लेके जाएगा। तो फॉरेनर ने जवाब देते हुए कहा, हाउ एम आई ट्रांसपोर्टिंग इट, मैं कैसे ले जाने वाला हूं। मैं मेरी गाड़ी की सीट को धक्का लगा दूंगा ताकि पीछे और जगह हो जाए, मेरी जो वैन है उसके अंदर एक हाथी भी आ सकता है। ये कहते हुए उसने अपनी गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा दिखाया। मुनि अभी भी अपनी दुनिया में खोया हुआ था और अपने ही ड्रीमलैंड में काफी कुछ इमेजिन कर रहा था। मुनि ने बोलना कंटिन्यू किया और कहा कि मेरे गांव के पंडित जी की कथाएं मैं कभी मिस नहीं करता। मैं महीने में एक बार उस पंडित जी के पास जाता हूं और रात भर उनकी कथा सुनता हूं, जिसपे वो कहते हैं कि विष्णु से बड़ा भगवान कोई भी नहीं। जब बुरे इंसान हमें सताते हैं तो विष्णु भगवान आकर हमें बचाते हैं। और मुनि ने कहा कि विष्णु भगवान मेरे सामने बहुत बार आ चुके हैं। मुनि उस विदेशी को तमिल में कहता है कि पहली बार वो एक मछली के रूप में आए थे, एक महान मछली जिसने सारे स्क्रिप्चर्स को, सारे शास्त्रों को अपने पीठ के बल उठा लिया था जब इस दुनिया में बाढ़ आई हुई थी। उस विदेशी ने वापस उसको रोका और कहा, देखिए, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं ज्यादा धनिक नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूं, मैं एक व्यवसायी हूं
और मेरा धंधा कॉफी का है, और ये सारी उलझन के बीच, इस कंफ्यूजन के बीच मुनि को कॉफी अच्छे से सुनाई दिया और उसने कॉफी वर्ड को पकड़ लिया और उसने विदेशी को कहा, भाई अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो थोड़ा और नीचे जाइए अगले शहर में, और शुक्रवार को मार्केट में कॉफी होटल्स खुलती हैं, और ये मुझे यहाँ पे जो लोग चलते हैं उन्होंने कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं शहर में घूमता हूँ, मैं कहीं नहीं घूमता और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर कॉफी पीनी है तो कॉफी होटल्स में जाइए और शुक्रवार में आपको कॉफी शहरों में मिल जाएगी। और फिर से मुनि बड़े बड़े अवतारों के बारे में बात करने लगा। मुनि ने कहा कि देखिए, सबसे पहला अवतार जो था वो छोटी सी मछली के रूप में था जो कि एक पानी के बाउल में समा सकती थी, लेकिन हर घंटे वो मछली बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि वो वेल के आकार की हो गई, और इतनी बड़ी वेल हो गई कि नदियां भी उसको समा नहीं सकी, और उस वेल के पीठ के ऊपर काफी सारे शस्त्र थे, और इसी की वजह से हमारे शास्त्र सुरक्षित हैं क्योंकि उस वेल ने इन शास्त्रों को बचाया था। और फिर इस अवतार लेने के बाद ये बहुत जरूरी था कि वो दूसरे अवतार में ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक दूसरे अवतार में जन्म ले, इसलिए उनका दूसरा अवतार एक जंगली डुक्कर के स्वरूप में हुआ, एक जंगली सुअर के स्वरूप में हुआ, एक ऐसा जंगली सुअर जिसके या तो फिर जिसने पूरी धरती को अपने दांतों से उठाया हुआ था, जब एक शातिर विजेता ने इसी धरती को नदी के भीतर छुपा लिया था। अब ये अवतार का वर्णन करने के बाद मुनि ने निष्कर्ष निकाला और कहा कि भगवान हमेशा हमें बचाएंगे, जब भी एविल फोर्सेस, जब भी गलत लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। उसने उस विदेशी को तमिल में कहा कि जब हम छोटे थे तो हम स्टेज शोज करते थे उस फुल मून नाइट पे, इसी स्टोरीज का स्टेज शो जिसमें बहुत सारे अवतार्स होते हैं। फिर वो विदेशी को कहता है कि इसीलिए तो मुझे इन अवतार के बारे में पता है, हम रात भर शोज देते थे तब तक जब तक कि सूर्योदय ना हो, और कभी कभार वो जो यूरोपियन कलेक्टर है वो भी आता था अपनी कुर्सी लेके हमारे शोज देखने के लिए। उन दिनों मेरी आवाज बहुत ही अच्छी थी और इसीलिए मुझे जो निर्माता थे वो गाना गाने के लिए कहते थे, और कभी कभार लड़कियों के भी रोल्स दे देते थे। मैं हमेशा गॉडेस लक्ष्मी था, लक्ष्मी देवी था, और मुझे एक बढ़िया सी साड़ी पहनाते थे जो कि बड़े घर से उधारी में ली गई थी। विदेशी ने मुनि को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश की, लेकिन क्या वो उसको समझ पाया? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो विदेशी अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में अपनी ही बातें कर रहा है। उसने मुनि से कहा, देखिए भाई, मैं कोई धनिक आदमी नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मेरा सीधा साधा बिजनेस है, और मेरा जो कॉफी का बिजनेस है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए मैंने जो है महीने की 60 मिनट्स खरीदी है, तो इसकी वजह से मुझे दिन में 2 मिनट मिल जाती है मेरी कॉफी की पब्लिसिटी करने के लिए टीवी में, और अगर मेरा धंधा अच्छा रहा तो हो सकता है कि मैं अपना 1 घंटे का शो भी स्पॉन्सर कर सकूं। मुनि अपनी यादों में, अपने भूतकाल में जाकर मदहोश हो गया था। वो उन दिनों के बारे में सोच रहा था जब वो स्टेज शोज देता था उसके गांव में, और वो उस विदेशी को समझाने वाला था कि कैसे उन दिनों में वो अपना चेहरा पेंट करता था और विग पहनता था और डायमंड की इयररिंग पहनता था, कानों में डायमंड की बालियां पहनता था। जब उस विदेशी को लगा कि यार बहुत समय बर्बाद हो गया है, और वो बोल पड़ा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस घोड़े के लिए 100 रुपए का स्वीकार करोगे? वैसे तो मैं इस योद्धा को भी खरीदना चाहता था, लेकिन उसके लिए मेरे घर में जगह नहीं है, तो इस साल मैं इस योद्धा को नहीं खरीदूंगा।
इस घोड़े की वजह से मुझे शायद अपनी एयर टिकट, अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी पड़े और मुझे बोट में जाना पड़े। मैं मेरी बीबी को कहूंगा कि वो फ्लाइट से जा सकती है अगर उसको अच्छा लगे, लेकिन मुझे ये घोड़ा चाहिए और मैं उसको मेरे कैबिन में रखूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। और फिर वो विदेशी एक अलग ही दुनिया में चला गया, इमेजिन करने लगा खुद को उस घोड़े के साथ नदी की सैर करते हुए। उस विदेशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं इस घोड़े के स्टैचू के आसपास कुछ भूसा लगा दूंगा, कुछ घास वगैरह लगा दूंगा ताकि टकरा के ये घोड़ा टूट ना जाए, ये स्टैचू टूट ना जाए। मुनि ने तमिल में कहा, जब हम रामायण का अभिनय करते थे तो लोग मुझे सीता के वेश में तैयार करते थे। हमारे टीचर आए जिन्होंने हमें रामायण के लिए गाना सिखाया और हमने उनको 50 रुपए दिए। उन्होंने खुद को राम का रोल असाइन कर दिया और वो खुद ही रावण को मार सकते थे। रावण एक ऐसा राक्षस जिसके 10 माथे थे और जिसने सारी दुनिया को हिला दिया था। क्या तुम्हें रामायण की कहानी पता है? फॉरेनर उसकी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए मुनि को कहता है कि देखो भाई, मेरे पास वो स्टेशन वैगन है, आप देख सकते हो वो गाड़ी मेरी है, और वो जो सीट है उसको मैं धक्का लगा दूंगा और वो जो घोड़ा है मैं उसको उसके जगह पे डाल दूंगा। सीट के आगे होने की वजह से घोड़ा वहां पे फिट हो जाएगा, लेकिन क्या आप मेरी मदद करोगे इस घोड़े को उठाने में और वैगन में डालने के लिए? लेकिन मुनि तो मुनि है, मुनि अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो कंटिन्यू करता है, क्या आप महाभारत जानते हैं? कृष्णा विष्णु के 8th अवतार थे, उन्होंने पांडवों को जिताया था अपना राज्य वापस हासिल करने में। जब कृष्ण एक बच्चे थे उन्होंने 1000 मुंह वाले विशाल सर्प पर नृत्य किया और उसे मौत के घाट उतारा, और फिर उन्होंने दानों के स्तनों को चूसा और उन्हें एक सपाट रूप में छोड़ दिया। हालांकि वह उसके पास जब वो आई तो उसके बड़े बड़े घाव हो गए थे जैसे नहर के पास टीले बने हो। अब मुनि ने अपने हाथों से टीलों को दिखाया, उस विदेशी को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। वो विदेशी मुनि के इशारों से काफी चौंकित हो चुका था और पहली बार उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा जवाब काफी महत्वपूर्ण है, हमें पॉइंट पे आना चाहिए, हमें गोल गोल बातें नहीं करनी चाहिए, हमें इस घोड़े के बारे में बात करनी चाहिए, आप कितना लोगे, आपको कितना मंजूर है, वगैरह वगैरह। मुनि को यह भी समझ आया नहीं और उसने कहा, जब 10वां अवतार आएगा तुम्हें पता है कि तुम और मैं कहां होंगे? मुनि ने पूछा। फॉरेनर ने वापस जवाब दिया और कहा, अगर आप मेरी मदद करोगे तो हम इस घोड़े को उसके पेडेस्टल से उठा करके मेरी गाड़ी में रख सकते हैं। अगर हम दोनों के बीच समझौता होगा, अगर हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। अब तक मुनि को तसल्ली हो गई थी कि घबराने की जरूरत नहीं, बस मीठी मीठी बातें करते रहो। और मुनि को क्रेडिट की ओर रहना था, मुनि को एडवांटेजेस और बेनिफिट्स चाहिए थे, इसीलिए वो बोलता गया और बोलता गया। उसने उस विदेशी से कहा, हे मानवीय व्यक्ति, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे ढेर सारे बच्चे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम एक अच्छे इंसान दिख रहे हो क्योंकि तुम एक बूढ़े आदमी के पास रह के उससे बातें कर रहे हो। पूरे दिन मेरे पास कोई नहीं रहता, मुझसे कोई बात नहीं करता तब तक जब तक उसे तंबाकू ना चाहिए हो, लेकिन मैंने तंबाकू छोड़ दी है। तंबाकू मैं बहुत खाता था, एक समय था जब मैं बहुत तंबाकू खाता था, लेकिन अब मैं नहीं खाता, मेरे पास पैसे ही नहीं है तंबाकू खरीदने के लिए। उस विदेशी की दिलचस्पी देखते हुए मुनि ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने अपने हाथों से इशारा किया। विदेशी समझ गया कि सामने वाला जो बोल रहा है वो एक सवाल है, तो उसने कहा, 100।
ये सुन के मुनि को और सवाल पूछने का मन किया। उसने पूछा, तुम्हारे कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, वो कहाँ हैं? क्या तुम्हारी बेटी शादीशुदा है? क्या तुम्हारे वहां भी एक लड़का ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना यहां पर है? विदेशी ने यह महसूस किया कि काफी सारे सवाल उसको पूछे जा रहे हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं समझ रहा था, और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपने वॉलेट में से एक कड़क 100 रुपए की नोट निकाली। उसने मुनि के सामने रखी, उसको दिखाई और कहा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज व्हाट आई मेंट। मुनि को ये एहसास हुआ कि कुछ पैसों की बातें कर रहा है ये बंदा। उसने बड़े गौर से उस 100 रुपए की नोट को देखा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने सिर्फ 5 का और 10 का नोट देखा था, वो भी दूसरे लोगों के हाथ में, क्योंकि वो खुद तांबे और निकल में कमाता था। उसने सोचा, ये बंदा मुझे 100 रुपए का नोट क्यों दिखा रहा है? फिर मुनि ने सोचा, शायद उसको छुट्टे चाहिए, और वो हंसने लगा। वो हंसने लगा क्योंकि ऐसा उसके जीवन में हो ही नहीं सकता था जब कोई उससे छुट्टा मांगे। उसने विदेशी से कहा कि जाइए हमारे गांव के मुखिया से पूछिए, जो उधार में पैसा देते हैं वो आपको 1 लाख रुपए भी दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो सोना भी दे देंगे। हमारे मुखिया को लगता है कि कोई ये नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं कि उसके पूजा के रूम में ढेर सारी धन दौलत और सोना पड़ा हुआ है। हमारा मुखिया सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है। मुनि ने विदेशी से कहा जाइए और हमारे मुखिया से बात कीजिए, क्योंकि हमारे मुखिया जब मुझे देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। किसी ने उनके कद्दू चुरा लिए थे और पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मेरी बकरियों ने उनका नुकसान किया, इसलिए मैं मेरी बकरियों को कहीं भी उन खेतों के पास नहीं लेके जाता। मुनि ने बातें करते हुए उसकी बकरियों की ओर देखा और उसकी बकरियां एक पत्थर और पुरानी गाड़ी के बीच उगती हुई घास को खा रही थी। विदेशी ने ये देखा कि मुनि उसकी बकरियों के सामने देख रहा था, और विदेशी को लगा कि शायद अगर मैं उसकी बकरियों में दिलचस्पी दिखाऊं तो शायद मैं मुनि का दिल जीत सकूं, इसलिए वो विदेशी बकरियों के पास चला गया और उसको सहलाने लगा। मुनि को यकीन नहीं हुआ, मुनि को लगा कि उसका सपना जो वो सालों से देख रहा था पूरा होने वाला है। वो समझ गया कि ये जो विदेशी है वो इन बकरियों को खरीदने की बात कर रहा है। उसने एक बार सोचा था कि इन बकरियों को मैं बेच दूंगा और जो पैसा मिलेगा उससे मैं छोटी सी दुकान खरीदूंगा। जब वो इन बकरियों को लेके इस खुले मैदान में आता था तो वो सोचता रहता था कि कैसे जब उसको पैसे मिलेंगे, जब ये बकरियां उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो वो एक दुकान खरीदेगा, और दुकान की छत कैसी होगी, और दुकान की जमीन कैसी होगी, और दुकान में क्या क्या होगा, नट्स, स्वीट्स, मिठाइयां, नारियल, और ये सब उन लोगों के लिए होगा जो सच में प्यासे हैं और जो पैदल चलते हैं उस हाईवे पे जहां पे बहुत धूप है, ऐसी हाईवे पे जो हमेशा चहल पहल से भरी होती है। ये सारे बड़े बड़े ख्वाब मुनि घोड़े के नीचे बैठ करके देखता रहता था, और अब जबकि वो विदेशी उन बकरियों को खरीदने की बात कर रहा था, खरीदने के संकेत दे रहा था, उसको लगा कि यार मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुनि ने उसकी बकरियों को तंदुरुस्त रखा था, उतना भी अच्छा नहीं कि वो कोई शो में उनको दिखा सके, उतना भी तंदुरुस्त नहीं, लेकिन कभी कभार वो अपनी बकरियों को अच्छा खाना खिला दे रहा था और बकरियां उतनी भी बुरी नहीं दिखती थी। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था जब उस विदेशी ने उस बकरियों को सहलाया। विदेशी ने मुनि के साथ हाथ मिलाया और मुनि के बाएं हाथ में 100 रुपए का नोट रख दिया। विदेशी को लगा कि शायद मुनि
यही मांग रहा है। विदेशी ने कहा कि ये तुम अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और पार्टनर है। मुनि ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मेरी बकरियों को तुम्हारी वो गाड़ी में लेके जा रहे हो? विदेशी ने कहा, बेशक, यस ऑफ कोर्स। मुनि ने कहा कि ये मेरी बकरियों की पहली मोटर कार राइड होगी। उसने विदेशी से कहा कि मेरे चले जाने के बाद आप इनको लेके जाइए, नहीं तो फिर ये मेरे पीछे आती रहेगी। अगर मैं यमलोक भी गया तो यमलोक भी मेरे पीछे आएगी। और फिर वो हंसने लगा, अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ दिया, नमस्ते कहा और बहुत ही जल्द वो नजरों से गायब हो चुका था। वो विदेशी बकरियों के सामने देख रहा था और आनंद ले रहा था। विदेशी अभी भी घोड़े के पेडेस्टल पर बैठा हुआ था। सूरज अभी भी पश्चिम में था और सूर्य की रोशनी की वजह से घोड़े के फीके रंगों में भी रोशनी आ चुकी थी। विदेशी ने सोचा, शायद ये इंसान मदद मांगने के लिए गया है, और फिर इंतजार करने लगा। बहुत इंतजार किया, कोई भी नहीं आया। आखिर में उस रास्ते से एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक को इस विदेशी ने रोका और ट्रक वालों की मदद से उस घोड़े को अपने स्टेशन वैगन में रख दिया। जितने भी लोगों ने उस विदेशी की मदद की थी उनको 5-5 रुपए दिए और ट्रक में से कुछ गैस भी दिया और उस विदेशी को अपना स्टेशन वैगन शुरू करने में मदद की। मुनि हड़बड़ी में घर पहुंचा और विदेशी ने दिया हुआ पैसा अपनी धोती में छुपा कर उसके घर में दाखिल हुआ। घर में दाखिल होते ही तुरंत उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया और नीचे बैठ गया उसके घर के चूल्हे के पास, और फिर वो अपनी बीवी के पास जा करके बड़ी ही धीरज से पेश आया, मानो आसमान से खाना टपकने वाला हो। मुनि ने 100 रुपए का नोट अपनी बीवी को दिखाया। मुनि की बीवी ने वो 100 रुपए का नोट मुनि के हाथों से छीना और उसको उसके घर की जलती हुई आग की रोशनी में गिना और चिल्लाई, 100 रुपए, ये तुम्हारे पास कैसे आए? क्या तुम चोरी करके आए हो क्या? मैंने एक विदेशी को अपनी बकरियां बेच दी है, मैंने एक विदेशी को अपनी बकरियां बेच दी है। वो बिल्कुल पागल था उनको पाने के लिए, और उसके पास जितना पैसा था उसने मुझे दे दिया और वो अपनी गाड़ी में उनको लेके चला गया। मुनि ने अपना वाक्य खत्म ही किया था कि उसके घर के दरवाजे के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो उसकी बीवी ने देखा कि दोनों बकरियां उनके दरवाजे के पास थी, और वो चिल्लाई, बकरियां तो यहीं पे है, इन सब का क्या मतलब है? कुछ गालियां बोलते हुए उसने एक बकरी को उसके कानों से पकड़ा और चिल्लाई, अरे वो इंसान कहां है? क्या तुम बकरियों को पता है कि अब तुम उनकी हो? तुम वापस क्यों आई? बकरियों ने उसकी बीवी की पकड़ से छुटकारा पाने की कोशिश की, और मुनि की बीवी ने दूसरी बकरी को भी यही सवाल पूछा। दूसरी बकरी ने भी उसकी बीवी के हाथों से छुटकारा पाने की कोशिश की। मुनि की बीवी उसके सामने गुस्से से घूरने लगी और मुनि को कहा, अगर तुमने चोरी की है तो पुलिस आज रात को ही हमारे घर आएंगे और तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे, और मुझे इसमें शामिल मत करना, मैं अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो लेट अस ट्राई टू समराइज दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इसे R.K. नारायण ने लिखी है। सबसे पहले तो एक छोटे से गांव का डिस्क्रिप्शन है जिसका नाम है क्रीतम। क्रीतम में सिर्फ एक ही घर है जिसको बड़ा घर कहते हैं उस गांव के लोग, और वहां पे ज्यादातर लोग रहते नहीं हैं।
इट्स जस्ट 30 पीपल और उससे भी कम. ज्यादातर लोग वहां पे गरीब हैं और उसमें से जो लीडिंग कैरेक्टर है दैट इज मुनि. मुनि का घर फोर्थ स्ट्रीट में सबसे लास्ट में पड़ता है और एक ऐसा समय था जब मुनि के पास थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत लकी था क्योंकि उसके पास 40 भेड़ बकरियां थी. लेकिन कैसे धीरे धीरे उसकी भेड़ बकरियां खत्म होती गई, कैसे उसका पैसा चला गया, उसको समझ नहीं आया और इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 बकरियां थी. अब हर रोज वो अपनी बकरियों को लेकर जाता था घर से दूर 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 खुले मैदान में और अपनी बकरियों को चराई करते हुए देखता था और वहां पे एक घोड़े का स्टैचू हुआ करता था. अब किसी को नहीं पता वो किसका स्टैचू था और क्यों वहां पे था, लेकिन वो स्टैचू बहुत ही बड़ा था और उसका एक पेडेस्टल भी था. पेडेस्टल यानी कि जिसके ऊपर घोड़े को रखा गया हो. मुनि उस पेडेस्टल के ऊपर बैठता था और अपनी बकरियों को चराई करते हुए देखता था और शाम को घर लौटता था. हुआ ये कि सुबह सुबह ऑन वन फाइन डे उसकी बीवी ने उसको खाने में मिलेट, उबला हुआ मिलेट और उसमें नमक, ये उसको नाश्ता दिया. और मुनि ने कहा कि भैया मुझे रोज रोज एक ही चीज नहीं खानी है, तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती. उसकी बीवी कहती है कि एक तो मुंह में दांत है नहीं, एक तो उम्र हो चली है और ऊपर से तुम्हें लजीज चीजें खानी है, तो जाओ उस किराने वाले के पास जाओ और चीजें लेके आओ. अब मुनि के पास पैसा था नहीं लेकिन उसको अच्छी चीजें खानी थी, तो वो उस किराने वाले के पास जाता है, उसको बातों में उलझाता है और ये उम्मीद रखता है कि शायद उधारी में कुछ दे दे. लेकिन वो दुकान वाला बहुत ही खराब मूड में होता है और कुछ भी नहीं देता. दुकान वाले को गाली देता है मुनि और घर पे वापस आता है. उसकी बीवी जो है वो कहती है कि आज तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहना होगा, ये अच्छा होगा कि तुम घर से निकल जाओ और अपनी बकरियों को लेके उस मैदान में उनको खिलाओ और शाम से पहले वापस मत आना. अब मुनि निकल पड़ता है. उसको पता है कि उसकी बीवी की आज्ञा का पालन करने में ही भलाई है क्योंकि उसकी बीवी को गुस्सा था. वो निकल जाता है घर के बाहर अपनी बकरियों को लेके और स्टैचू के ऊपर बैठा रहता है. ऑल ऑफ अ सडन वहां से एक गाड़ी आती है अजीबो गरीब और मुनि को समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों रुकी. वो डर जाता है और उसके अंदर से एक फॉरेनर बाहर आता है. फॉरेनर सभी के साथ इंग्लिश में बात कर लेता है लेकिन मुनि बेचारा गरीब है, कभी पढ़ाई नहीं की, इंग्लिश नहीं जानता. होता यह है कि फॉरेनर अपनी ही बातें किए जा रहा है, फॉरेनर की नजरें पड़ती है उस स्टैचू पे और फॉरेनर पागल हो जाता है, उसको बहुत पसंद आ जाता है और बार बार वो मुनि को एक ही चीज कहता है कि इसका आप कितना पैसा लेंगे, मुझे ये खरीदना है, मुझे स्टैचू को अपनी गाड़ी में लेके जाना है. लेकिन मुनि जो कि बूढ़ा हो चुका है 70 years old, वो कहता है कि ना उसे इंग्लिश आती है और ना वो समझ पा रहा है, तो वो अपनी ही दुनिया में अपने ही इमेजिनेशन कर रहा है और उसे पता है कि बातों में उलझाना ही एक हथियार है उसके पास जिससे वो इस विदेशी का छुटकारा पा सकता है. मुनि को लगता है कि ये एक पुलिस वाला है जो मुनि को पकड़ने आया है क्योंकि हाल ही में मुनि के गांव में एक हत्या हुई थी. तो मुनि को लगा कि शायद ये, क्योंकि उसने खाकी कपड़े पहने हुए थे, तो ये मुनि को पकड़ने आया है, पूछताछ करने आया है. मुनि डर जाता है, काफी डर जाता है, बातों में उलझाता रहता है. वो महाभारत की बात करता है, रामायण की बात करता है, उसके बचपन की बात करता है. वो एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा जो वो फॉरेनर कह रहा है. अब उस फॉरेनर को लगता है कि ये मुनि जो है वो क्योंकि घोड़े के नीचे बैठा है, ये घोड़ा उसका है और फॉरेनर उसको घर पे ले जाना चाहता है, इसलिए वो बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये घोड़ा मुझे चाहिए, आप कितना पैसा लोगे. लेकिन मुनि को लगता है कि अच्छी अच्छी बातें करो और इसे छुटकारा पाओ. फाइनली वो फॉरेनर 100 रुपए की कड़क नोट निकालता है और फिर मुनि को दिखाता है. मुनि को लगता है कि शायद ये छुट्टा मांगने के लिए उसे कह रहा है. वो हंस पड़ता है और फिर मुनि अपनी बकरियों के सामने देखता है. फॉरेनर को लगता है कि मुनि का दिल जीतने के लिए बकरियों को सहलाओ. बकरियों के पास जाता है वो विदेशी और उसके साथ खेलने लगता है, उसके ऊपर हाथ घुमाने लगता है.
अब मुनि को लगता है कि शायद ये फॉरेनर बकरियां खरीदना चाहता है। तो मुनि कहता है कि आप उसको उस ट्रक में लेके जाओगे, ठीक है आप उसको लेके जाइए। वो 100 रुपए का नोट लेके गायब हो जाता है। और इसी दौरान फॉरेनर वहां पे रुकता है, इंतजार करता है और सोचता है कि शायद मुनि मदद मांगने के लिए गया है, ताकि वो उस भारी भरकम घोड़े के स्टैचू को उठा के उसको गाड़ी में डलवाने के लिए मदद कर सके। लेकिन कोई नहीं आता। फाइनली एक ट्रक आता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और फॉरेनर उनकी मदद से उस घोड़े को अपने वैगन में डालता है और निकल जाता है। मुनि घर पहुंचता है और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी रकम है। अपनी बीवी को दिखाता है, बीवी चिल्लाती है। बीवी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सालों से 5-10 रुपए नहीं मिले, अब 100 रुपए कैसे मिल गए। वो डाउट करती है। मुनि शांति से समझाता है कि ये जो पैसा है मैं कोई चोरी चकारी करके नहीं लाया हूं, ये जो बकरियां थी वो मैंने एक विदेशी को बेच दी। तो ये जब वाक्य पूरा होता है उसी दौरान कुछ आवाज सुनाई देती है मुनि के घर के दरवाजे पे, और उसकी बीवी जब दरवाजा खोलती है तो वहीं पे बकरियां भी होती है। अब उसकी बीवी को और गुस्सा आ रहा है। वो बकरियों को कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ओनर जो है वो बदल गया है, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब तुम विदेशी की हो चुकी हो। लेकिन बकरियां तो समझेगी नहीं। और फिर वो गुस्से में मुनि को कहती है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है, अगर तुमने चोरी की है, तो पुलिस तुम्हारी हड्डी पसली एक करने की, तुम्हें मार मार के सबक सिखाएंगे, और जब ऐसा होगा तब मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही हिलेरियस चैप्टर है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई थैंक यू एंड आई होप यू हैव वंडरफुल डे।